संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर टावर चौक पर प्रदर्शन किया। धार्मिक नगरी उज्जैन में दो सूत्री मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। यहां उज्जैन के टावर चौक पर गोल घेरा बनाकर स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन किया, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हुई। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि दो सूत्री मांगों को लेकर 15 तारीख से कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। बता दें कि उज्जैन में स्वास्थ्य के अभाव से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर लगातार हड़ताल पर चल रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी दो सूत्री मांगों को लेकर लामबंद है। हम लोग 15 तारीख से हड़ताल पे हैं और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है और हमारी दो प्रमुख मांगे हैं इसमें कि हमारा नियमितीकरण हो और नियमितीकरण की प्रक्रिया जब तक प्रोसेस में है तब तक हमारा विभाग हम पे जो 5 जून 2018 की जो नीति है जिसमें 90% हमारी सैलरी जो नियमित पद के समकक्ष की जाए वो हमारी करे, साथ ही जो हमारे CHO कैडर है उनको मिड लेवल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के अंतर्गत शामिल किए, ये हमारी करें, ये हमारी पहली मांग है। और दूसरी हमारी मांग है कि जो हमारे सपोर्ट स्टाफ है जिनको आउटसोर्स या RKS में डाल दिया गया NHM में से हटा के उनको वापस से NHM में पुनः उनकी वापसी हो, ये हमारी दो प्रमुख मांगे हैं। कर्मचारी विगत 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं, केवल दो सूत्री मांग है उनकी, एक 5 जून 2018 की नीति लागू हो, दूसरी हमारे जो कर्मचारी शासन ने आउटसोर्स और RKS में भेज दिए गए हैं उनको वापस अपने NHM में शामिल करें। इन दो मांगों को लेकर के पहले भी हमने 42 दिन की हड़ताल की थी जिसमें 5 जून 2018 की नीति बनाई गई थी जो शासन के द्वारा अन्य विभागों को दी गई लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी मिशन के कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। आज हम शासन से ही मांग करते हैं कि ये वही कर्मचारी है जिन्होंने कोरोना के दौरान अपने प्राणों की आहुतियां दी है, कई सारे हमारे शहीद हुए हैं कोरोना में, लेकिन सरकार हमारे बारे में नहीं देख रही, नहीं सुन रही है। आज आपके माध्यम से हम सरकार को यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें।